हेलो फ्रेंड्स, सजरिता के नए से ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। फ्रेंड्स, हम बेटी की शादी पार्टी में आए हुए हैं और ये बेटी जो है वो ऑफिस कोलीग की बेटी हैं, तो हमें यहाँ आना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने बार बार करके हमें रिक्वेस्ट किया था आने के लिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा भावुक पल होता है एक पिता के लिए, तो शादी में तो जितना संभव हो सके अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है सभी के लिए। और ये एक बहुत खुशी का भी पल होता है कि माँ बाप जो होते हैं अपनी बच्ची की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं, करते हैं। और कितनी सारी यादें होती हैं, बचपन की सारी यादों को समेट कर अपनी ही हाथों से किसी दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसे हम पहले कभी जानते नहीं हैं, जिससे हमारा कोई परिचय पहले रहता नहीं है। एक अनजान व्यक्ति के ऊपर हम अपनी प्यारी लाडली बेटी को सौंप देते हैं। जिस बेटी की शादी में हम आए हैं, तो ये बेटी बिल्कुल काबिल हैं, जॉब करती हैं और बहुत रेप्यूटेड जॉब करती हैं। और यहाँ पर मैं मेंशन नहीं कर पा रही हूँ जॉब को, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब करती हैं, तो इसलिए ये शादी बहुत ख़ास है। और माँ बाप जो हैं बहुत ही कष्ट से इनको बड़ा किया है और पाल पोस कर इतनी इनको काबिल बनाया है कि 5 लोगों को उनके पापा कह सके कि हाँ, मेरी बेटी बहुत प्रेस्टिजियस जॉब करती हैं। सो बहुत ही भावुक पल है। और जो इनके माँ बाबा के जो आँखों में इतनी खुशी हम लोगों ने देखी, जो चमक हम लोगों ने देखा, सच में बहुत अच्छा लगता है। हर माता पिता को बहुत गौरवान्वित होते हैं इस मुहूर्त में। मैं जो हूँ अपने हस्बैंड से कह रही थी कि ये सारी चीज़ हमें भी करने हैं और बहुत आंखें भर आती हैं। ये लग्न के हिसाब से शादी का जो समय दिया गया था, उस समय में शादी शुरू हो रही है। ये 10 बजे का टाइम है और लगन के हिसाब से अभी वरमाला जो है वो भी चल रहा है, यहाँ पर शुरू होने वाला है और उसी की तैयारी हो रही है वहाँ पर। और हमारे बंगाली कल्चर के हिसाब से जब भी शुभ दृष्टि होती है उसी वक्त में ये 7 बार घुमाते हैं पीढ़ा में लड़की को बैठाकर, और इसके बाद में शुभ दृष्टि का जो मुहूर्त होता है वो रखा जाता है, फिर उसके बाद में विवाह काम शुरू होता है। यानी पंडित जी अपने जितने भी मंत्र उच्चारण करते हैं, रीति रिवाज, वो सब शुरू हो जाते हैं। विवाह के जो नियम हैं वो छोटे छोटे जो बहुत सारे नियम होते हैं, कुछ नियम को आगे किया जाता है, कुछ नियमों को बाद में किया जाता है, वो परिवार के जो बड़े बूढ़े लोग जो होते हैं उन नियमों को, जो परंपराओं को लेकर चल रहे हैं, वो समझाते रहते हैं और उसी हिसाब से ये पूजा आयोजन जो है, विवाह की जो रीति नीति है वो पूरी सम्पन्न हो जाती है। तो यहाँ फ्रेंड्स शादी चल रही है और शादी तो देखने का बहुत मन करता है, बचपन से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो शंख उल्लू ध्वनि बोलते हैं, ये सब होती हैं, आवाज़ बहुत अच्छी लगती हैं। तो फ्रेंड्स अब हम भोजन के लिए ऊपर जा रहे हैं और ये जो कुछ वैरायटीज़ भोजन रखी हुई है, हर माता पिता अपने शादी के अनुसार से भोजन का आयोजन करते हैं। और ये कुछ वेज और कुछ नॉनवेज की जो आइटम बने हुए थे, तो उसमें से फ्रेंड्स मैं तो नॉनवेज में बहुत कम ही खाती हूँ, फिश वगैरह, लेकिन मेरे को आज अच्छा नहीं लगा तो मैं सिर्फ यही खाई थी। और रात में जाते वक्त हाथ में एक पान ली थी और ये वो फायर पान बना रहे थे, लेकिन मुझे वो फायर पान अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने ऐसे ही सादा बंगाली वाला पान जो होता है वो बंगला पान खाया। फ्रेंड्स, हमने भैया भाभी को कह दिया है, दावत बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे से बच्चों की जो हैप्पी लाइफ शुरू हो जाती है। और इसी तरह विश करते हुए हम अपने गाड़ी की ओर चले पड़े। फ्रेंड्स, वापस घर लौटनी है और घर लौटते में लगभग 1 घंटे लग जाएंगे।
और फ्रेंड्स मॉर्निंग में फिर मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जाती है, हो जाएंगी। सो जल्दी जल्दी करके घर जा कर के वापस से काम करने होंगे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से मुझे कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स जो ब्लॉग में नए आए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कुछ सुझाव रहता है तो ज़रूर से मुझे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलूँगी बहुत जल्द अगले दिन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय।